अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। हमेशा खुश होकर रखे, आमीन सुमा आमीन। सबको सुबह मुबारक हो आपको। ये सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है। ये मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मैंने फ्राइड टोस्ट खाने हैं, तो मैं ये इसके लिए बनाने लगी हूँ। मैंने सोचा आपको भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तो छोटी ब्रेड है, एक अंडा है, ये थोड़ा सा दूध रखा हुआ है मैंने, ये चीनी है। हम ये पहले इसमें दूध डालते हैं, फिर इसे हम ये 3 चम्मच चीनी डालते हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड का लिया, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रूटीन के मुताबिक ये देखिए मैंने चाय भी रखी हुई है, बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने पराठा खाना है, किसी ने ब्रेड लेनी है। ये देखे हम चीनी हमारी दूध में मिक्स हो गई। अब हम इसमें ये अंडा डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये सिर्फ छोटी ब्रेड करनी है, इसलिए ये एक अंडा ही काफ़ी होगा। ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको इसमें डालेंगे और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर मिक्स हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। ये देखें ब्रेड मैंने खोल ली है, ये थोड़ा सा घी हम तवे के ऊपर डालेंगे। तवे के नीचे मैंने आग जलाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो पूरी तरह डिप कर लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो 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 पीस करके आप कर सकती हैं, चार तीन भी रख सकती हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, घी भी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, कम ही लगाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं। ये हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम और डाल देते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें इसमें से वो जो दूध अंडा माशाल्लाह थोड़ा पक चुका है, तैयार हो चुकी है ये ब्रेड माशाल्लाह से। देखिए कैसे मज़े की है।
कैसी आई हमारी, कैसी लगी हमारी रेसिपी? ये 2 मिनट में तैयार होने वाला नाश्ता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।